नमस्कार, अविंग फूड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली डोसे के साथ खाई जाने वाली चटनियाँ। आज मैं दो तरह की चटनी बना रही हूँ, एक मूंगफली और नारियल की है, दूसरी प्याज की। ये दोनों चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और इनको इडली डोसे और राइस के साथ आराम से खाया जा सकता है। इसे आप सूखी भी रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। चलिए मैं बनाने चलती हूँ दो तरीके के चटनी। आपको मेरी ये चटनियों की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, ये एक कटोरी मूंगफली जिन्हें मैंने पहले से ही भूनकर और इसके छिलके को उतार के रख लिया है। एक कटोरी गरुई का बुरादा है, ये आप चाहें तो कच्चे नारियल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने गरुई के बुरादे का यूज किया है। करी पत्ता, दो हरी मिर्च, ये एक लाल मिर्च है तड़के के लिए, ऑयल तड़के के लिए है। राई है, इसको भी तड़के में हम यूज करेंगे। दही, इसे हम मूंगफली की चटनी में डालेंगे। और ये है इमली, इसे हम प्याज की चटनी में डालेंगे। और ये हमारा प्याज है, इसे हम प्याज बनाएंगे की चटनी बनाएंगे। चलिए हम चालू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूंगफली की चटनी बनाने की विधि। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर में ये मूंगफली जो हमने भुनी हुई थी इसको डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ये गर्म मसाला ये गरी का बुरादा इसको ऐड करेंगे। ये हरी मिर्च है, इनको हम इस तरह से रफली तोड़ के डाल देंगे। दो हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और ये नमक है, नमक को हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंडर में इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के और ग्राइंडर में पीसेंगे। थोड़ा सा पानी, देखिए हमारा ये एक फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है, चटनी तैयार है। अब हम इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें जो हमने ये 2 चम्मच दही का लिया हुआ था इसको भी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से इसी में मिक्स कर लेंगे। अब हमारा केवल इसमें तड़का लगाना रह गया है। तड़का हम ये जब हम अनियन की चटनी बना लेंगे और इसके साथ ही तड़का लगाएंगे। अब हम अपनी दूसरी चटनी की तैयारी करते हैं। ये जो प्याज कटा हुआ है इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे। ये जो हमारी इमली है इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे। ये मेरी बिना बीज की इमली है, यदि आपको बीज वाली मिले तो उसके आप पहले बीज निकाल दीजिए। अब इसमें हम ये नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, मैं 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। और अब इसमें हम ये जो हमारी सूखी लाल मिर्च थी इसको भी हम डाल देंगे। ये इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्च इसमें डाली है। इसको अच्छी तरह से हम इसका फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें बस थोड़ा सा हमें पानी 2 चम्मच के समथिंग पानी डालना है, जिससे ये पिसने में इमली हमें कोई दिक्कत ना आए। अब हम इसका पेस्ट एक तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज की चटनी बनकर तैयार है। अब हमें इसमें तड़का लगाना है, इसके लिए तड़का लगाने से पहले हम इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे। अब तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो लाल मिर्च सूखी वाली ली हुई है इनके तोड़ लेंगे। इसे रफली चॉप करना है, कोई ज़्यादा मतलब फाइन चॉप नहीं करना है। देखिए तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम तड़का पैन को उस पर गैस पर रखेंगे, उसको गर्म करेंगे। अब इस तड़के पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, क्योंकि हमें 2 तड़के तैयार करनी है इसलिए हम 2 जगह ऑयल का यूज करेंगे। हमारा ये एक राई डाल के देखते हैं ये गर्म हुआ है या नहीं। अभी अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और गर्म करेंगे ऑयल को। हमारा तड़का पैन गरम हो चुका है इसका ऑयल। अब हम इसमें पहले राई डालेंगे, करी पत्ता और ये मिर्च, सूखी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरीके से तड़काएंगे। देखिए हमारा अच्छा तड़क रहा है। अब इसको हम जो हमने ये प्याज की चटनी बनाई है इसमें हम ऐड करके अच्छी तरह से ढक देंगे। हम
दूसरा तड़का यूज तैयार करते हैं, सेम प्रोसेस से दूसरा तड़का भी यूज करेंगे। पैन हमारा गर्म है, हम सेम पैन को यूज कर रहे हैं। ऑयल डाला, अभी इसमें ऑयल गर्म हो रहा है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका, तो हमारी ये जो बची हुई राई है वो हम इसको डाल देंगे इसमें। करी पत्ता डालेंगे, ये मिर्च डाल के इसका तड़का तैयार कर लिया है हमने। इसको भी उसी तरह से सेम प्रोसेस से इसमें डाल के ढक देंगे। देखिए ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। इसमें अब हमने इसमें चटनी में इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे तड़के को, जिससे उसका पूरा फ्लेवर चटनी में आ जाए। सेम प्रोसेस से हम ऑनियन की चटनी को भी करेंगे इसी तरह से। देखिए मेरी अनियन की चटनी भी सेम प्रोसेस से तैयार हो चुकी है। इसी तरह से इसको करके अभी हमारी दोनों चटनियाँ सर्व होने के लिए रेडी हैं। देखिए हमारी दोनों चटनियाँ सर्व हो चुकी हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। आप यदि आप इनको एक बार खाएंगे तो आप इन्हें जरूर बनाएंगे। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे अपने कमेंट्स मेरे अभिघ्न फूड बुक पर शेयर करना ना भूलें।